पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी सियासी माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना आए थे। कहने को तो वैसे ही सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर आ रहे थे वहां से कुछ सियासी बातें भी हुई हैं। क्या सियासत को टटोलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। शामली से विधायक तेजेंद्र निरवाल जी हमारे साथ हैं। तेजेंद्र निरवाल जी, स्वागत करता हूँ बीजेपी न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद जी। विधायक जी, कल प्रोग्राम तो वैसे कहा जा रहा था कि सरकारी कार्यक्रम है, पीएससी कैंप का उद्घाटन है, फायरिंग रेंज का उद्घाटन है, तमाम लाभार्थियों को जो है पत्र भी वितरित किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री जी आए और कुर्सियां खाली पड़ी थी, पीछे भीड़ नहीं जुटा पाए और आंगनवाड़ियों को बुलाया गया, स्टूडेंट्स को बुलाया गया। क्या वाकई में भीड़ नहीं पहुँची थी वहाँ पर? आप थे वहाँ पर? जी मैं था। कोई फ़ोटो लिया आपने? कहाँ कुर्सी खाली थी? फ़ोटो भी है मेरे पास और वीडियो भी है विधायक जी। योगी जी भाषण दे रहे हैं, पीछे कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, कहीं तो मैं आपको दिखा दूँ। मैं भी उसी स्टेज से बनाई थी और कहीं एक कुर्सी नहीं, बल्कि जो एक जो कमी रही मैदान के, जो पीछे का स्थान नीचा था, तो नीचे की पब्लिक जो थी उन्हें स्टेज देखने में जरूर दिक्कत थी और कार्यक्रम में शायद ही कोई कुर्सी कहीं खड़ी, जो कई हज़ार लोग खड़े हैं सामने। मैंने फुटेज बनाई थी जानबूझ के मंच पर बैठ के, कई हज़ार लोग खड़े हुए दिख रहे हैं और आप कह रहे कुर्सी खाली है, मैं फालतू में खड़े अगर कुर्सी खाली है। नहीं नहीं विधायक जी, मेरे पास वो वीडियोस कुछ लोगों ने भेजी, मेरे को कहा कि देखिए विधायक जी से पूछिएगा। आजकल सारी चीज़ चलते हैं, उसे एडिट कर दिया होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का फोटो ले दिया और उसे एक घंटा दो घंटे पहले जब लोग आए नहीं होंगे तब की फोटो उसमें ऐड कर दी गई होगी। मैं स्टेज पर बैठ के फोटो ली, मेरे पास है फुटेज डेढ़ मिनट की है और उसमें आगे कई हज़ार आदमी तो खड़े खड़े रह गए, कुर्सी नहीं अरेंज कर पाए हम तो। वो बिल्कुल कुछ लोग लगे हैं जो हैं कुछ ताकतें ऐसी जो ताकतें हैं जो चाह रही हैं कि बैठती हैं मोदी जी योगी ना रहे हैं और उनका पहले वाला धंधा भ्रष्टाचार सब चीज़ फलते फूलता रहे, तो उनका अपना एजेंडा है। क्यों ऐसा लग रहा है विधायक जी कि ये चुनाव है सपा और भाजपा के बीच है, क्यों ही ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव हिंदुत्व और धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी का जो टारगेट था, भाषण जो उनका था, वो कहीं हिंदुत्व को धार देता हुआ नजर आया। क्या कैराना में इन चीज़ों की ज़रूरत है बीजेपी को अभी भी? किसी को अगर ऐसा लग रहा है तो उन्हें खुद देखना चाहिए क्यों लग रहा है। अगर धर्म के आधार पर चीज़ें होती तो तब वो क्वेश्चन करते, तब योजनाएं आती थी, मुस्लिम धर्म की लड़की के लिए है, हिंदू धर्म की लड़की के लिए नहीं है। हमारी कोई भी योजना, चाहे केंद्र सरकार की है चाहे प्रदेश सरकार की है, आप एक योजना कोई भी आदमी बता दें कि उसमें हिंदू मुसलमान के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर कोई बंटवारा है क्या? और अगर बंटवारा जितना है उसमें प्रतिशत से दो गुना उनके हिस्से में आया है अल्पसंख्यक समाज की, जिसकी आप सीधी बात ना करते हों और घुमा के करना चाह रहे हों, तो अगर उनकी प्रतिशत आबादी में जितनी है उससे 10-12-15% तक दो गुने तक योजनाओं में उनका हिस्सा है, तो इसके आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक के आधार पर काम कर रही है? विधायक जी, आपके पास इन 4.5 सालों में कहने के लिए सड़कें भी हो गई हैं, कहने के लिए गुंडागर्दी खत्म हो गई है, सुरक्षा का माहौल हो गया है, सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है, अभी भी आपके क्षेत्र के अंदर होर्डिंग लगे हुए हैं, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, एक बार फिर योगी सरकार। इसके अलावा किसान कहाँ हैं, महंगाई कहाँ है, इनका कोई जिक्र आप लोग नहीं कर रहे हैं अपने मंचों से। एक मुद्दा आप बताओ कि ये बाकी है, मैं आप ही पूछता हूँ, आप मुझे कोई एक मुद्दा बताओ कि सरकार उसमें पीछे रहेगी, शिक्षा से लेके युवाओं से लेके महिलाओं से ले सबके लिए जितनी योजनाएं, इतना तो पिछले 20 वर्षों में काम नहीं हुआ जितना योगी जी की सरकार ने 3 वर्षों में कर दिया। 3 में इसलिए कि 2 वर्ष तो हम कोरोना के वजह से उल्टा सरकार का खर्च बढ़ता रहा लेकिन योजनाएँ उस गति से नहीं चल पाई। 3 वर्ष में जितना काम है वो पिछले 20 सालों की सरकारों का उठा के देखोगे तो उससे भी 2 गुना 3 गुना मिलेगा। एक भी चीज़ आप जो कह रहे हैं किसान के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कुछ भी पूछ लें, देखो ऐसा कोई नहीं मिलने का, आप कुछ भी पूछ जो आपके मन में होगी, ये सवाल है मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं आपसे इसलिए सवाल पूछूंगा विधायक जी क्योंकि मैं जनता के बीच जाता हूँ और जनता मुझे बताती है कि विपक्ष भी बताते हैं, सत्ता पक्ष भी बताते हैं। आपकी ही रैली में आए हुए थे लोग, कह रहे थे कि नहीं भाई योगी जी आदमी तो ठीक हैं, गुंडागर्दी पर भी लगाम लगा दिया, लेकिन ना तो किसान का कुछ खास फ़र्क पड़ पा रहा है और तेल देख लो, डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है, तो महंगाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, उस पर सरकार थोड़ा कंट्रोल कर ले तो काम चल जाएगा बीजेपी का। मैं इस पर बोलता हूँ पर मैं एक आपसे उसके साथ साथ एक अनुरोध भी करता हूँ कि आप ये पूरी बाइट दिखाना जो मैं बोलूँगा। बिल्कुल दिखाएंगे हम, कुछ कट नहीं लगेगा। मैं आपको कुछ योजनाएं गिना देता हूँ। 1991 से जब भाजपा की सरकार आई तब से, 1991 में पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री भाजपा के उत्तर प्रदेश में बने थे माननीय कल्याण सिंह जी, जो अब स्वर्गीय हैं।
उन्होंने पहला एक दस्तावेज जारी किया जिसको किसान भाई कहते थे, और वो पहला अधिकृत एक डॉक्यूमेंट था जो किसान के पहचान पत्र के तौर पर 12 से ज़्यादा विभागों में उसकी मान्यता थी। ये शुरुआत कल्याण सिंह जी ने की किसानों के या कृषि क्षेत्र में सुधार की तरफ जो हम बढ़े। उसके बाद लोन लेने के लिए पहले हमें पूरी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, पूरा स्टैंप उस पर देना पड़ता था, लेकिन वो 100 रुपये के स्टैंप पर एग्रीमेंट हो जाना और पूरी ज़मीन का वो ना करना, ये स्टैंप शुल्क घटा कल्याण सिंह जी ने। तहसील दिवस एक आज तक व्यवस्था चल रही है जो किसी सरकार ने बंद नहीं की, वो लगातार चलती आ रही है क्योंकि उसका विकल्प अब तक किसी को नहीं मिला। सारे किसान सारे गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक दिन पूरा का पूरा जिले का तंत्र उनकी सेवा के लिए एक दिन वहाँ बैठे, उनकी समस्याओं को सुने, उनका निराकरण करें। आज तक बंद ना करने का मतलब है कि उसको सबने अप्रूवल दे दिया। हमारे सामने यूरिया का मुद्दा है, हमसे पहले यूरिया पे हर 2-4-6 साल बाद एक ब्लैक होता था, और जो केमिकल फैक्ट्री या उस तरह के लोग थे जो केमिकल के रूप में यूज करते थे उसका, वो किसान के नाम पर आने वाले सस्ते यूरिया की रैक को नंबर 2 से निकाल लेते थे और किसान देखता रह जाता था। बाद में उसकी किल्लत पड़ती थी तो जगह जगह किसानों का धरना पड़ता था और उसके कारण से बड़ी परेशानी रहती थी, तत्काल उसका सोल्यूशन दे दिया जाता था, लेकिन 2 साल बाद फिर वापसी आती। जिस दिन से हमने उसमें यूरिया में नीम मिला दिया, उस दिन से यूरिया की समस्या उस तरह की ख़त्म हो गई, कोई इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता किसान के लिए। हमने भूमि अधिग्रहण बिल को लाए, हम बहुत लोगों ने धरने पर दर्शन किए, बहुत विरोध किया, लेकिन आज स्थिति है कि हर आदमी ये चाहता है कि मेरी भूमि भी अधिग्रहण किस्म आ जाए तो शायद मुझे भी मुआवजा अच्छा मिल जाएगा, ताकि मैं 1 बीघे से लेकर 4-6 बीघे बना सकूं और अपना गुजारा भी कर सकूं। किसान यही तो कह रहा है विधायक जी, आप बीच में जा सकते, मैंने आपको पहले कहा था, बीच में जाओगे तो इसका मतलब आप उस एजेंडे के साथ मिल जाओगे गलती से। हमने सोसाइटी में गन्ने का खाता होता था, हमने किसान का खाता बैंक में भेजा, बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज सब किसान मानते हैं कि बैंक में खाता चला गया तो बहुत हमारा आराम। किसान सम्मान निधि हमने दी, किसानों के लिए पहली बार क्रेडिट कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने दिया, किसानों के लिए नदी जोड़ने की योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में चली, उसके बाद 94 से डार्क जोन में रखा हुआ था बिना वजह, इसलिए कि कोर्ट का फैसला था कि पानी के बड़े संयंत्र बंद कर दिए जाएँ, लेकिन 94 में जो सरकार उत्तर प्रदेश में होगी उसने किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन बंद कर दिए, बड़े संयंत्र चलते रहे। मैं आपको यहीं बैठे फसल बीमा योजना, मैं आपको 15 से 17 योजनाएं भी गिनवा सकता हूं गन्ने के क्षेत्र में। सब भाषण देते हैं कि हम एथेनॉल मिलवाएंगे, मिलों की हालत ठीक हो जाएगी, किसान का भला हो जाएगा, किसी ने नहीं मिलाया। 11.90 रुपये एथेनॉल था जब हम आए, आज 62 रुपये से ज़्यादा रेट है, और 20% की मांग व्यापारी खुद सामने आने लगे जो फैक्ट्री के मालिक हैं कि एथेनॉल को 2030 तक नहीं, उसको पहले ही मिलाने की परमिशन दे दी जाए, उससे मिलों की हालत सुधर रही है और किसान को वो गन्ने का पेमेंट दे पाने की स्थिति में आ रहे हैं, ताकि अगर उनके पास चीनी भी नहीं बिकती तो एथेनॉल से अपना काम चला सके। एक मैं बोल दूँ फिर आप गन्ने पर बोलेंगे ना, बफर स्टॉक हमने बनाया, 40 लाख टन चीनी का 31 रुपये प्रभाव में केंद्र सरकार देनदार होगी, माननीय मोदी जी ने किया था जब मिल मालिकों को कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं था। आज धीरे धीरे जब हम आए सत्ता में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चीनी बहुत सस्ती थी, 17 रुपये 18 रुपये, हमारे यहाँ 21-22 रुपये का भाव था। वो सस्ती चीनी लोग यहाँ आके पड़ती थी, वो महंगी नहीं पड़ती थी, बराबर रेट में भी जाती थी, लोग उसको खरीदते थे। मोदी जी पहले से प्रधानमंत्री जी, इस पर 100% का शुल्क लगा दिया, वो दुगुनी पड़ने लगी, तो भारत की चीनी का उपयोग लोग करने लगे, तो धीरे धीरे जितना उस पर बढ़ रहे हैं हम। मैं एक निवेदन भी आपसे, मैं आपको 16, 17, 18, 20 योजना गिना सकता हूँ, अगर एक योजना पिछले 30 वर्षों में विपक्ष की तरफ से कभी कोई लाई गई हो, एक कह रहा हूँ देखो जी, तो मैं निश्चित रूप से मान लूँगा कि हाँ हम किसानों के लिए नहीं कर पाए, उन्होंने निश्चित रूप से ज़्यादा किया होगा। ये सदन का बयान था मेरा, आपको बता दिया मैंने। अब विधायक जी, मैंने ये बात विपक्ष वालों से भी पूछी, जब वो आप पर हमला करते हैं, बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, अब आपकी सरकार है, तीनों ही सरकारों में किसान तब भी धरने पर था, आज भी धरने पर है, ना तो मर्सिडीज़ में किसान पहले चला और ना आपकी सरकार में चल रहा है, तो फिर क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? एक मोटा अंतर है, आप नोट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब सरकार बात नहीं करती थी, किसान धरने पर बैठते थे लेकिन सरकार बात नहीं करती थी, अब सरकार कहती है बातचीत के लिए आओ, लेकिन बातचीत करने को आता नहीं। राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसी पहला मुख्य प्रधानमंत्री देखा जो बात ही नहीं कर रहा है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे कुछ नहीं करूँगा, ना मैं वो मेरे एजेंडे में है, अभी संसद की बात है, मैं इसी से रिलेट कर रहा हूँ। पहले संसद इसलिए रोकी जाती थी, हम कहते थे विपक्ष में कि हमें बात करने दो, संसद समाज की जगह है और हमें अपना पक्ष रखने दो, तब इसलिए रोक दी जाती थी। आज हम कहते हैं अपनी बात रखो, कोई किसान बिल पर चर्चा करने तक को तैयार नहीं संसद के अंदर, ऐसा क्या डर है?
ऐसी क्या चीज़ है जो किसान बिल पे कोई भी दल तैयार नहीं, ना विधानसभा में चर्चा करना चाहते ना लोकसभा में? आपको उनसे पूछना चाहिए किस चीज़ का डर है। जब आपका एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है तो आप संसद में कहो ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर एक लाइन इसमें खराब होंगी हम तत्काल काट देंगे, और सबके लिए वही वाक्य है, आप खराब लाइन बताओ तत्काल समाप्त। अब महंगाई को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, अरुण जेटली जी हो, सुषमा स्वराज हो, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह हो, उनकी सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रही हैं, गले में सिलेंडर टांगे, तख्ती टांगे, महंगाई की मार, तो इस तरीके की बातें अब विपक्ष कर रहा है आपके टाइम पर, तो कहीं ना कहीं इस पर आपको लगता है कंट्रोल करने की ज़रूरत है? नहीं, दोनों चीज़ समान नहीं है। पहले तो आप समझ लें, दोनों चीज़ की कोई तुलना नहीं है। अब आप कोरोना काल में बात कर रहे हैं, जब महंगाई होती थी तब के रीज़न कुछ और थे। कांग्रेस के टाइम में अगर महंगाई आती थी केंद्र सरकार के, एक तरफ महंगाई होती थी अनाज की, दूसरी तरफ 40,000 टन 50,000 टन क्विंटल इतने बड़ी मात्रा में अनाज सड़ता हुआ मिलता था। एक तरफ चीनी महंगी होती थी, वहाँ गोदाम में भी ज़्यादा होती थी, यानी कि माल ज़्यादा होता था, उसके बाद भी ब्लैक मार्केटिंग होती थी। अगर इस समय किसी चीज़ की कमी होती है, पाम ऑयल पर हम विदेश पर निर्भर हैं, तो स्वाभाविक है जब तक हमारी व्यवस्था बनेगी कुछ फ़र्क उसका रहेगा कोरोना काल से। आज वो स्थिति नहीं है कि गोदाम भरे पड़े हैं और सरकार ब्लैकमेलिंग करने वालों को बढ़ावा देती थी। तब कालाबाजारियों के कितने, आप अपने ही चैनल्स का रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, तो इतना बड़ा भंडार मिलता था, आज वो चीज़ें नहीं है। हाँ, कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से कम हुई तो कुछ समय के लिए उसके भाव में उतार चढ़ाव, नंबर एक। कोरोना की विपरीत परिस्थिति में सरकार क्या कितनी सारी चीज़ें कर रही हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भूखे न मर जाएं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट थी 43% आदमी को एक टाइम का भोजन मिलता है, लेकिन आज दोनों टाइम का भोजन मिलता है बिना किसी भेदभाव के। अगर ये योजना दूसरी सरकार के समय होती तो शायद एक वर्ग को दिया जाता, दूसरे की बात भी कोई नहीं करता। आज पेट्रोल की कीमत तो चलोगी कुछ कम होने की तरफ चल दी है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं कि माल बहुत ज़्यादा है और उसकी कीमत ज़्यादा है। और कीमत में भी धीरे धीरे आप देख रहे हैं, अब 4.53 का वो आया था, अब से 25 दिन पहले कह रहा हूँ, तो घटती है, लगभग सामान्य की तरफ चल रही हैं। लेकिन कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में ये थोड़ा बहुत चीज़ें उसके कारण से प्रभावित हुई हैं, अन्यथा सरकार का इतना लंबा कार्यकाल हो चुका 7 साल का, उसमें कभी ये बोलने की भी हिम्मत नहीं पड़ी महंगाई पर, बात तो क्या करते हैं। दो अंतिम सवाल ये हैं कि चले शामली की बात करते हैं, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, क्यों एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश दिल्ली से या सिसोली से या मुजफ्फरनगर से हो रही है कि देखिए अब जाट जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेगा, क्यों ऐसा मैसेज दिया जा रहा है? शामली से भी ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, वो जो मैसेज दे रहे होंगे उनसे पूछेंगे सवाल। मैं कह रहा हूँ मुझे पहले से 2 गुना जाट मिलेगा, मेरा रिकॉर्ड उठा लेना आप, पहले से 2 गुना, मैं फिर रिपीट कर दिया आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपनी सब दलों की, क्योंकि उसमें चीज़ों के पीछे जो दूसरे राजनीतिक दल है वो तो चाहेंगे कि उनकी बात प्रचार हो, तो उनका प्रचारक मैं नहीं बन सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पहले से ज़्यादा संख्या में जाट वोट भाजपा को मिलेगा, क्योंकि जाट बेसिकली राष्ट्रवादी कौम है। और जब देश की बात करते हैं मोदी जी, जब देश की बात करते हैं योगी जी, तो हमें लगता है कि हमारी वाणी या हमारे शब्द उनकी वाणी से आ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से हमारा DNA भाजपा की राष्ट्रवादी सोच से मिलता है। यही आपके समाज के लोग हैं जिनका DNA अब नहीं मिल रहा है मोदी जी से? DNA सबका मिलता है, अपनी अपनी राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं। क्या राजनीति हो रही है? अच्छा ही बताइए, सिसोली वाले क्या राजनीति कर रहे हैं? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ना आप मुझे घुमाकर वहाँ ले जा सकते जहाँ आप ले जाना चाह रहे हैं। मतलब तो आप बोलना नहीं चाह रहे? मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने दायरे से बाहर कभी बात, आप तो होगा उनका आपकी कम्युनिटी में, अपने दायरे से बाहर कभी बात नहीं करता। वो विधायक सांसदों को भी कुछ नहीं समझते हैं, मंत्री जी कुछ नहीं समझते हैं, सबका प्यार मिलता है, सबका मुझे आशीर्वाद रहता है, समझते हैं, ऐसे कोई विषय नहीं, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँगा, आप जो वैसी बात है वो कर लीजिए। मेरे एक अंतिम सवाल ये है, किसानों को कैसे संतुष्ट करेंगे विधायक जी? कहीं ना कहीं गन्ने की बात हो रही है, हालांकि आपकी सब आप मुझे बताएंगे कि गन्ने का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ का हमने भुगतान किया, पिछली सरकारों ने नहीं किया, हेक्टेयर में गन्ना बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं गन्ना किसान जो है, ये अंतिम सवाल आपसे है, संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, उसको क्या लगता है कि नहीं गन्ने से भी अभी लाभ नहीं मिल रहा है, लागत बहुत ज़्यादा आने लगी है, गन्ने की वसूली नहीं हो पाती है सरकार से? जब हम सरकार में आए तब कितनी चीनी मिलें बंद थी, कितनी का आधुनिकीकरण कराया, कितनी को हमने शुरुआत कराई और कितना उनका क्षमता बढ़ाई, इन सब चीज़ों की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछली सरकार में 20 मिलें बंद हो चुकी थी। हम जहाँ से हमें मिला है, हमें तो सारी अर्थव्यवस्था, सारा गन्ना किसान और सारा तंत्र ICU में पड़ा हुआ मिला था, ICU से हम इसे बाहर निकाल लाए, अब ये चलने लगा, तेज गति से तोड़ने में थोड़ा ही दिन बाकी, तेज गति से दौड़ने लगेगा, तो एक दो विषय थोड़े बहुत रहते हैं कि पेमेंट थोड़ा जल्दी हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा मुद्दे किसान भी नहीं उठाते, हम किसानों में रहते हैं, कभी पब्लिक से दूर नहीं रहते, आप चाहोगे तो मेरा हमेशा फेसबुक पर रहता है, हमेशा पब्लिक के बीच में ही है, हम इन्हीं के बीच के हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्ते में कुछ न कुछ हैं, तो ऐसा नहीं है।
ये समाज अपना ही है, हम भी इसी का एक अंग हैं। विधायक होना अलग बात है, विधायक ठीक है एक पद है, कितने समय के लिए मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन समाज का हिस्सा हम भी हैं। तो ऐसा नहीं कोई दूरी समाज के हमारे बीच में नहीं है, जो उनकी बात होती है हम उन्हें ऊपर तक पहुँचाते हैं, और पार्टी का केंद्रीय या प्रदेश का नेतृत्व उसे लागू करने के लिए सरकार की तरफ से जो भी प्रयास हो सकते हैं उन्हें करता है। चलिए धन्यवाद विधायक जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो विधायक जी का साफ तौर पर ये मानना है कि सरकार की जो भी विकास की बातें हों चाहे किसानों के हित की बात हो लगातार ऊपर तक उठाई जाती हैं और सरकार उसके लिए काम भी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।